इस वीडियो का टॉपिक है यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट टू डिवाइड नंबर्स। हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए नंबर्स को डिवाइड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय टू। चेक द आंसर बाय डिवाइडिंग। हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, एक 57 और 38। हमने चेक करना है, पहले सिर्फ चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल बाय टू है या नहीं। तो टू से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट है? हमारे पास है अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट हैज 0, 2, 4, 6 और 8 एट वंस प्लेस। तो हम देखना अगर देखना चाह रहे हैं कि कोई नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं, तो हमने देखना है कि उसकी वंस प्लेस पर 0 हो, 2, 4, 6 या 8 हो। तो अगर हम देखें 57 को, तो इसकी वंस प्लेस पर है 7। अब 7 इन में से नहीं है, यानी 7 टू से अगर डिविजिबल नहीं है, ये जो सारे नंबर्स हैं ये टू से डिविजिबल हैं। तो अगर 7 टू से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि 57 भी टू से डिविजिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे 57 इज नॉट डिविजिबल बाय टू। तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड करके भी देख लेते हैं कि ये डिविजिबल क्यों नहीं है। डिविजिबल होने का मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर ज़ीरो छोड़ेगा। अगर हम देखें 57 को टू से डिवाइड करके, जो हमारा टेस्ट है वो हमें बताता है कि 57 टू से डिविजिबल नहीं है। अब हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं। तो टू टू ज़ार 4, 5 माइनस 4 1, 7 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 17, और 2 8 ज़ार 16, 17 माइनस 16 क्या आ जाएगा 1। अब 1 2 से छोटा है तो 1 पे 2 का टेबल नहीं जा सकता, तो यही रिमाइंडर है। तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर बाहर वाले नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि 57 2 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा नंबर हमें दिया गया है 38। 38 की वंस प्लेस पर 8 है, और अगर हम देखें तो इन डिजिट्स में भी 8 मौजूद है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वंस प्लेस वाला डिजिट 2 से डिविजिबल है, तो 38 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे 38 इज डिविजिबल बाय 2, यानी जब 2 इसे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब हम यहाँ पर डिवाइड करके भी चेक करते हैं, 38 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ार 2, 3 माइनस 2 1, और 8 नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 18, 2 9 ज़ार 18। अब 18 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि 38 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, या 38 2 से डिविजिबल है। तो अभी तक हमने ये देखा है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, और हमने 57 और 38 को डिवाइड करके चेक भी किया। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। चेक द आंसर बाय डिवाइडिंग। तो हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, एक दिया गया है 2241 और दूसरा दिया गया है 121। तो हमने चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, और फिर हमने अपने आंसर को डिवाइड करके चेक भी करना है। तो 3 से जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। यानी अगर हमने किसी नंबर को चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके सारे डिजिट्स को जमा करते हैं। अगर जमा करने के बाद जो जवाब आता है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि ये होल नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो अब हम इस नंबर को चेक करते हैं, इसके सारे डिजिट्स को जमा करते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। अब 9 क्या है, डिविजिबल बाय 3, यानी 9 3 से डिवाइड हो सकता है। 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि 2241 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब हम अपने आंसर को डिवाइड करके चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2241 और इसको डिवाइड करेंगे 3 से।
तो 3 उसका टेबल 2 पे नहीं जाएगा, 2 3 से छोटा है, तो हम 22 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7s आर 21, और जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0. अब ये वाला 4 नीचे लिखेंगे, 3 4s आर 12, 14 माइनस 12 आ जाएगा 2, तो हम 2 यहाँ पर लिखेंगे, और अब ये वाला 1 नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 21, 3 7s आर 21, और 21 माइनस 21 आ जाएगा 0. रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये नंबर बाहर वाले नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, यानी ये हमारा टेस्ट बिल्कुल ठीक था कि 2241 इज डिविजिबल बाय 3. अब हम दूसरे नंबर को चेक करते हैं जो कि है 121. तो इसको जमा करते हैं पहले, 1 + 2 + 1. तो जब भी हमने चेक करना हो कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हम उसके सारे डिजिट्स को जमा करेंगे, 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4. अब 4 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. अगर 4 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि 121 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3. अब हम इसको डिवाइड करके चेक भी करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 121 और इसको डिवाइड करेंगे 3 से. तो 12 को पहले डिवाइड करना है, 3 4s आर 12, 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा 0, और ये 1 जब नीचे लेकर आएंगे तो अब 1 पर हम 3 का टेबल किस तरह से लेकर जाएंगे, 3 0s आर 0, और अब इसमें से जब माइनस करेंगे 1 माइनस 0 1 आ जाएगा. अब 1 हमारा रिमाइंडर है क्योंकि इससे आगे कोई डिजिट नहीं है जो हम नीचे लेके आए, और 1 पे 3 का टेबल नहीं जाता. अगर हमारा रिमाइंडर 0 होता तो इसका मतलब था कि 121 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि 121 3 से डिविजिबल नहीं है. तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के जरिए चेक करते हैं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. तो नेक्स्ट है हमारे पास, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 97,320 बाय 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10. यानी इस नंबर को हमने चेक करना है कि ये इन सब नंबर से डिविजिबल है या नहीं. तो हमारे पास नंबर है 97,320. तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 को. तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो. तो अगर हम देखें तो इसकी वंस प्लेस पर 0 है, इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं 97,320 इज डिविजिबल बाय 2. ये 2 से डिविजिबल होगा, यानी जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. नेक्स्ट नंबर है 3. तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके सारे डिजिट्स को जमा कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या उसका जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं. तो यहाँ पर हम साइड पे देखते हैं, तो यहाँ पर हम लाइन लगाकर इसके डिजिट्स को जमा करते हैं. तो 9 + 7 + 3 + 2 + 0. तो 9 + 7 क्या आ जाएगा, 16. 16 + 3 = 19. 19 + 2 = 21. 21 आ गया. अब अगर हमें 21 एक बड़ा नंबर लगता है, या हम ये नहीं चेक कर सकते कि 21 3 के टेबल में आता है या नहीं, तो हम दोबारा से 21 के डिजिट्स को जमा कर लेंगे. तो 2 + 1 = 3 आ जाएगा. अब 3 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 97,320 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. यानी इसके डिजिट्स का सम अगर डिविजिबल है 3 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से. अगला जो नंबर है वो है 4. तो अब हमने चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं. तो 4 के लिए हमारे पास कंडीशन ये होती है कि उसकी वंस और टेंस प्लेस पे जो दो डिजिट्स हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. तो अगर हम देखें तो उसकी वंस और टेंस प्लेस पर बनता है नंबर 20. अब 24 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 4 के टेबल में आता है. तो हम लिखेंगे 97,320 इज डिविजिबल बाय 4.
अब अगला नंबर है हमारे पास 5. अगर हम 5 को चेक करना चाहें तो 5 के लिए कंडीशन ये होती है कि उसकी वंस प्लेस पर 0 हो या 5 हो तो फिर वो 5 से डिविजिबल होगा. तो अगर हम देखें तो इसकी वंस प्लेस पर 0 है, इसका मतलब है कि ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो सकता है. तो 97,320 इज डिविजिबल बाय 5. तो ये 5 से भी डिविजिबल है. नेक्स्ट नंबर है 6. 6 के लिए कंडीशन ये होती है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी. तो हमने ऊपर यहाँ पर चेक कर लिया है कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 97,320 इज डिविजिबल बाय 6. ये 6 से भी डिविजिबल है. आखिरी नंबर है हमारे पास 10. तो 10 के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसकी जो वंस प्लेस है उस पर 0 मौजूद हो. तो अगर इसकी वंस प्लेस को देखें तो यहाँ पर 0 मौजूद है. तो हम लिख सकते हैं 97,320 इज डिविजिबल बाय 10. तो हमने इस नंबर को डिवाइड किए बगैर चेक कर लिया कि ये इन सारे नंबर से डिविजिबल है या नहीं. तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं. तो आज हमने पढ़ा यूज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट टू डिवाइड नंबर्स.